मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और चुनाव प्रचार भी जोरों पर शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज फिर ऐसा कुछ मामला सामने आया है जिसमें सीबीआई और ईडी को घसीटा जा रहा है, और घसीटा किसके द्वारा जा रहा है? कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, उनके बेटे हैं देवेंद्र सिंह तोमर, जिन पर आरोप लग रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको कांग्रेस ने शेयर करते हुए आरोप लगाया कि यह वीडियो वायरल हुआ है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का, जिसमें के करोड़ों का घपला है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही कि आखिरकार इस पर ना तो केंद्र सरकार कोई एक्शन ले रही है, ना ही मध्य प्रदेश की सरकार कोई एक्शन ले रही है, ना चुनाव आयोग कुछ एक्शन ले रहा है, और सीबीआई ईडी को क्या सांप सूंघ गया जो इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने खुद ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए यह वीडियो वायरल की है, यह वीडियो फेक है, ऐसे आरोप लगा रहे वो भी। और उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर लिखा दी कि मेरी छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे तो पूरे परिवार में किसी के खाते में भी इतने पैसे नहीं है जितने का यह करोड़ों का आरोप लग रहा है। लेकिन वही कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्नेत कह रही है कि मामले का तभी पता चलेगा कि वीडियो फेक है या सही है, कि अगर इसकी जांच होगी, पहले जांच तो करवाओ। लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरती हुई कांग्रेस के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद कांग्रेस यह आरोप लगाती है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI को दिए बयान में कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर वो उसकी मांग करते प्रतीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर वीडियो देखनी चाहिए। तो साथ में सुप्रिया सिन्नेत ने आरोप लगाया कि मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 100 करोड़ की 39 करोड़ की डील हो रही है, कोई त्यागी नाम के खनन के लोगों से बात हो रही है, कृष्ण मेनन के घर के पते की बात हो रही है। तो यहाँ पर सुप्रिया सिन्नेत कह रही है कि सच ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर खनन मंत्री रह चुके हैं, कृष्ण मेनन मार्ग पर अमित शाह के पड़ोसी भी है, असलियत ये कि इन सब मामलों में ईडी सीबीआई को क्या सांप सूंघ गया, क्योंकि आरोप तो लगने हैं, क्योंकि अगर वीडियो वायरल हुआ सच्चाई का तभी पता चलेगा कि यह वीडियो सही है या गलत है, जब कोई जांच एजेंसी जांच करेगी। लेकिन एक तरफ तो जहां विधानसभा चुनाव के दौरान सीबीआई ईडी या और भी जितनी भी जांच एजेंसियां सब लगी पड़ी है कि विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे मार रही है, उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, तो यही कारण है कि अब यह तो छोटी सी बात है कि कांग्रेस तो विपक्ष में है तो वह कार्रवाई की मांग तो करेगी और सवाल भी उठेगा जांच एजेंसियों पर। लेकिन अब समस्या ये हो रही कि क्या जांच एजेंसियां जांच करेंगी, क्या केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो यह वीडियो वायरल हुई है उनके बेटे की, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, यह सवाल उठ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी वीडियोज वायरल होना, क्योंकि खनन मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे की वीडियो बताई जा रही है जिसमें 100 करोड़ की 25 करोड़ की इन डीलों की बात हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस सवाल उठा रही है आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जांच क्यों नहीं हो रही। वापिस नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखा दी कि ये तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।